डिबेट, लड़ाई, वॉर या प्यार, आखिर ये शो क्या है यार? रितेश, इतने एपिसोड्स के बाद ऐसी ड्रामाबाजी, इट्स वेरी फेक। सीधे सीधे शो को शुरू करते हैं। ओके, तो स्वागत है आपका आने के लिए दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई में, जिसका नाम है लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। लेट्स वेलकम आवर बीएफएफ्स, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स। संस्कारों की आड़ में छुपा हुआ प्लेबॉय पारस चाबरा, डैशिंग, चार्मिंग एंड बले बले करिंग फॉर करण कुंद्रा, द वन वुमन आर्मी ऑफ इमोशंस रश्मि देसाई। लड़कों के ईगो से लेकर उनकी हड्डियों तक को तोड़ने में काबिल पावर गर्ल पानी जय। सो लेट्स बिगिन द डिबेट। आज का पहला सवाल, कितने परसेंट लोग एक दूसरे को सिर्फ लुक्स के बेसिस पर ही जज करते हैं? आपके 15 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। स्क्रीन पे आ चुका है परसेंटेज स्लाइडर, नाउ चूज योर आंसर। अरे आपने जल्दी, मतलब एक्साइटेड, वी आर डन। आप दोनों अलग अलग कर रहे, मिलके कर रहे हो? अलग अलग, अलग अलग। 3 सेकंड बाकी है। They're done. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। अरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ये। 60, वाओ, 70%। अरे अरे, वाओ, 85%। मुंडो, लेट्स गो बॉयज। या तो आपको लगता है कि 73% लोग लुक्स पर जज करते हैं? लड़के लड़कियों को जज करते हैं, मतलब लुक्स, क्योंकि बेचारे लड़के हमारे ऐसे ही है ना। कैसे? क्योंकि लड़कियां सारी सुंदर होती हैं। हाँ। तो जज क्यों करते हो? पहले वो लोग लुक्स पे ही जाते हैं। लड़कियां ना। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हो, लड़कियां नहीं लड़के। हाँ दीदी, लड़कियां लड़कियां। पीपल जज अदर्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स। अच्छा, जनरली व्हाट डू यू थिंक? No, I also think 100%. They go first for the looks. फिर धीरे धीरे they come down to, okay, we need personality. Do we agree with it? Yeah. Ritesh, itna? Achha? आप बताओ असलियत में क्या हुआ था? मैं तो जब लड़कियों को पहली बार देखता हूँ तो आंखें बंद कर देता हूँ। जी नीलिया को तो देखा होगा ना पहली बार, तो वो नहीं, पहले आवाज रितेश, अरे अच्छी आवाज है, अरे दिखती भी बहुत अच्छी है। हम लोग पहले स्वभाव पे जाते हैं, फिर स्वभाव से चेहरे अच्छे। सर ये झूठ है। Yeah, 100% experience से बता रही हूँ। If you walk into a room और आपके सामने कोई है with blue hair, pink hair, purple hair, whatever it is, जी, तो आप कुछ तो सोचो ये ना। ये मन में आता है कि that you are looking beautiful, you have purple hair, you are looking very beautiful. ये देख line मार रहा है। नहीं line नहीं मारा भाई। I know. But other people will be like, अरे what? But अगर जैसे कि बानी और मैं एक साथ चल के आएंगे तो definitely you are going to judge, no? Differently her and differently me. That is true. आप purple pink. Karan. देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। आई थिंक दिस इज 100% के आसपास। 65% वी वन। दैट इज इम्पॉसिबल। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 60%। ऑडियंस, अगर आपने चुना है 60% तो आप जीत सकते हैं प्राइजेस। तो फिलहाल जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से ज्यादा करीब है। For now. वैसे जिनिलिया भी लगती है बड़ी जेंटल, स्वीट, क्यूट सी, लेकिन मुझसे बात किए बिना मुझे भयंकरली जज किया था इन्होंने। जब हम पहली बार मिले थे 2001 में, हैदराबाद गए थे फिल्म शूट करने के लिए, और इनकी स्वीट मम्मी जी, मेरी सासू माँ, आज तब नहीं थी, आज सासू माँ, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा हेलो आंटी, मीट जिनिलिया, और ये बिकॉज मुझे लगा ये
चीफ मिनिस्टर का बेटा है, he is his rich brat, he is going to give me attitude. So before he gives me attitude, I'll give him attitude. So you already judged him पहले ही देखते ही? Yeah. See, the girls are more judge करने में ज़्यादा. No, actually she was protecting herself. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Bonnie. Protecting from what? From judgment. You meeting somebody for the first time, तो ऐसे तो तुझे hi hi. Yes, exactly. मैंने सिर्फ hello बोला था. बानी साइकोलॉजी में जा रही है. हाँ. ये बहुत ये डीप हो रहा है सर. फैक्ट्स है ह्यूमन साइकोलॉजी की. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू द फैक्ट्स. लव इट लव इट. जिनिलिया ने मुझे जज किया था लेकिन प्री कंसीव नोशन पर, लुक्स पर नहीं. लेकिन अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. कितने परसेंट औरतों को लगता है कि अपने पार्टनर का फोन चेक करना उनका बर्थ राइट है? What? And your 15 seconds start now. Percentage slider आपके स्क्रीन पर आ चुका है. सोच समझ कर चुनिए. फोन तो चेक कर सकते हैं ना. हाँ करो, अपना करो. I know करण ने क्या लिखा है. All right. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. सेवेंटी फाइव परसेंट. नाउ लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब. इनका 75% है. आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है. हमारा बढ़ता ही जाएगा. आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये बहुत राइट अधिकार है? डोंट यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स 100%. आई थिंक कि भरोसा नहीं होता है आजकल. पीपल डोंट नो कि कमिटमेंट होता क्या है, व्हाट अ रिलेशनशिप इज, वो चाहते क्या है. एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी एंड फॉर नाउ लाइक यू स्वाइप लेफ्ट राइट. एंड इतनी सारी ऑप्शन है आपके पास कि 2-3 मिनट के लिए थोड़ी सी लड़ाई होती, आई एम आउट, क्विट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऐसा मेंटेलिटी मैंने देखा है बहुत. या या प्रैक्टिकली भी अगर देखते जाए, आई फील दैट कि औरतों को ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील होती है और कई बार करवाई भी जाती है. बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इज नॉट देयर इन देयर लाइफ. हाउस वाइफ डेफिनेटली उसे अपने आप को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है. तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती है ना. आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग एट ऑल. समटाइम्स इट्स गुड टू बी सेफ. एंड नाउ देयर इज बॉयज आर स्केयर्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट. ऐसा तो नहीं लगता मुझे. जो कह रहे हैं कमिटमेंट देने से लड़के डरते हैं, नहीं डरते. लड़के बोल देते हैं कि हाँ करना है, पर लड़कियों को बिलीव होना चाहिए. वो बिलीव नहीं होता इस चक्कर में तो वो फोन चेक करती हैं. इफ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड आल्सो, जस्ट अ फ्रेंड, वहां पे भी बोलेंगी बात क्यों हो रही है, ये कौन है, रात को मैसेज क्यों आया. आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत हुआ है सर, बहुत हुआ है. फोन दिखा, जैसे फोन दिखा, फोन दिखा, पिन दे. लाइक भाई यू आर नॉट माय गर्लफ्रेंड ना. व्हाई आर यू चेकिंग माय फोन? आई एम रिप्रेजेंटिंग राइट नाउ. Okay. प्रॉब्लम ये है कि इसके फोन पे कुछ है नहीं. कुछ है नहीं, भरोसा नहीं है. हाँ. भरोसा ऐसे नहीं होता है, दिलवाया जाता है, ऑन किया जाता है. बट लड़की तो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो ऑफ कोर्स द गर्ल्स वांट्स टू फील सिक्योर. हाउ विल दे फील सिक्योर आफ्टर चेकिंग द फोन? वो तो सब डिपेंड करता है ना, दैट कि हाउ रिस्पेक्टेबल, हाउ इम्पोर्टेंट शी इज इन योर लाइफ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के नहीं करवा पाते, उन्हें स्पेशल फील नहीं करवा पाते. रश्मि एक और चीज है, लड़कियों को सिक्योरिटी अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलनी चाहिए. लड़की की सिक्योरिटी वो लड़की खुद है. Yeah. Yes, that's true. Simple. I agree with you. That the guys only have to give that vision no, to women. No. I feel as though obviously आपको अपने में ही you have to be secure, you have to be happy. No, but even how much ever she is ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखती है, बट देर इज अ गर्ल इन साइड हर, एंड वो भी अपने पार्टनर से ऑफकोर्स चाहेगी. I don't like checking anybody's phone, and I never want to be in a situation in my life ever कि मुझे किसी का फोन चेक करना पड़े. If I reach that point, I don't want to be in the relationship. Okay, ये डिबेट खत्म नहीं होगा. Let's see India's answer. इंडिया की सोच. Yeah. We won. कैसे? नहीं नहीं सॉरी सॉरी. इंडिया की सोच है 56%. आप दोनों एक्चुअली काफी दूर थे. यू नो व्हाट आई थिंक हैपेंड? जितनी भी औरतें थे ना, जब उन्होंने सवाल देखा, दे टुक देयर फोन्स फ्रॉम देयर हस्बैंड्स बॉयफ्रेंड्स सन्स एंड सेड वेट आई विल आंसर एंड से नो. परसेंटेज नीचे हो गई. राइट, दैट इज व्हाट हैपेंड. हमारा अगला सवाल पता नहीं किस मुंह से पूछूं.
अपने ही मुंह से पूछोगे ना? अरे इसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? हमारा आखिरी सवाल है, इंडिया में कितने परसेंट कपल्स पार्क में किस करते हुए पकड़े गए? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। स्क्रीन पे आ चुका है परसेंटेज स्लाइडर, नाउ चूज योर आंसर। I think it's mainly in metropolitan cities जहाँ parks हैं। दो सेकंड। टाइम अप। इस बार पहले जेंटलमैन जवाब दे। मैं खुद पकड़ा गया, मैं क्या जवाब दूँ? पहले परसेंटेज देखते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ कुछ अच्छे सवाल लेकर। Okay. 45%. Yeah. Ladies. Oh my God. Same to same? Yeah. मतलब इतना प्यार। लेकिन मुझे बताइए कैसे अनुमान लगाया आपने कि ये 45% होना चाहिए? एक परसेंटेज इंडिया की है जिनके पास मतलब अच्छी सहूलियतें थीं, जैसे गाड़ी, घर, होटल। मतलब आप होटल की रूम बुक करके किस करके वापस आते हैं? नहीं, 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 नहीं तो पार्क भी कौन जाता है स्पेशली किस करने? मैं कह रहा हूँ कि किस बहुत लोग करते हैं, पकड़े सिर्फ जो है वो 50% जाते हैं, क्योंकि बाकी शाणे होते निकल जाते। तारा साहब कभी पकड़े गए हो? पकड़ा नहीं है, पर हाँ लोगों ने देखा ही होगा किस करते हुए पार्क में। मतलब बचपन में मैंने पुलिस चक्के लेके गई होगी तेरे को। How is it different in the car? Then it will become intense one. Oh, oh wow! मतलब ये learned a lot of things about her right now. है ना, है ना, सही पता लग रहा है कि पार्क में थोड़ा संस्कारी प्यार होता है। हाँ हाँ, like me. Oh, Paras. संस्कारी. Paras तेरे में संस्कारी कुछ नहीं है। झूठे. देखो मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना कहूँगा कि प्यार करो, अपने पार्टनर को किस करो, उन्हें मिस करो, जो कुछ भी करो, लेकिन घर वालों की पिटाई और पब्लिक प्लेस में पुलिस की कुटाई से बच के करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिना कंसेंट के कुछ ना करो। एंड कंसेंट मींस योर पार्टनर्स कंसेंट, नॉट ओनली योर्स। समझे? पता चला अपना 50% लेके घुस गया। और अब देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच। I hope 45% but I... Is it happening? What? Oh. Wow. 82%. इस सवाल का सही जवाब है 80%.